हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई बैगन की सब्जी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। बेल का बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसे मैं थैंक यू बोलती हूँ, और जिसने नहीं किया तो प्लीज़ करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने बैगन लिया है एक बड़े साइज़ का, और जो भरते के लिए यूज़ करते हैं तो वो मैंने बैगन लिया है, उसे गोलाई में से कट कर लेंगे। ये मैंने एक अखा लिया था बड़ा बैगन। और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और एक बड़ा टेबलस्पून धनिया लेंगे हरा, मिर्ची पाउडर एक टेबलस्पून, और स्वाद के अनुसार लीजिए जितना आपको तीखा पसंद हो नमक और मिर्ची। और गरम मसाला लिया मैंने 1/4 चम्मच, और सौंफ पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, और ये मैंने मलाई लिया है 1 कप, घर का मलाई है। और 1 बड़ा टेबलस्पून बटर लेंगे, अमूल बटर, और 1/2 कप पानी लेंगे। और देखते कैसे बनता है। ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है, और गैस पे एक पैन रख लिया मैंने, और उसमें हम पानी डाल देंगे 1/2 कप, और उसमें नमक डाल देंगे हमें जितना चाहिए सब्जी में स्वाद अनुसार नमक। और गैस को हम फास्ट कर देंगे, और इसमें हम बैगन को डाल लेंगे, और बैगन को हम गल जाए तब तक पकाएंगे। ऐसे करके हम सारे बैगन इसके अंदर डाल लेंगे और गैस को फास्ट कर देंगे। और ये मैंने सारे सारे बैगन इसके अंदर डाल दिए हैं। ये मैंने इसके अंदर सारा बैगन डाल लिया है, और इसको हम ऐसे ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। और बैगन गल जाना चाहिए उतना हमें इसे पकाना है। अभी हम ढक्कन हटा के देख लेंगे, और बैगन अच्छे से गल जाना चाहिए इतना हमें पकाना है। देखिए ये नीचे था तो गल गया, तो बैगन को अच्छे से गलने देंगे और उसको पलटी भी मार देंगे ध्यान से, बैगन टूटे नहीं। और ऐसे करके हम पलटी कर देंगे सारे बैगन, जो ऊपर के हैं वो भी पक जाए। और ये मैंने बैगन को पलटी मार लिया है, नीचे का ऊपर कर लिया है, जो गल गए हमारे बैगन वो ऊपर कर दीजिए और जो ऊपर थे वो नीचे कर दीजिए, क्योंकि सारे बैगन अच्छे से गल जाना चाहिए, पक जाना चाहिए। और गैस को हम फास्ट कर देंगे, पलटने के बाद में थोड़ा और पकाएंगे इसे। तो ये सारे बैगन अच्छे से गल गए हैं, देखिए टूट रहे हैं, तो ये अच्छे से गल गया है बैगन। और अभी इसमें हम बटर डाल देंगे, और गैस को एक बार फास्ट कर देंगे, अच्छे से बैगन गल जाना चाहिए, और गैस को फास्ट कर देंगे। और अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, बंद कर देंगे गैस को। अभी मैंने एक दूसरा पैन लिया है, और गैस को मैंने ऑन नहीं किया है। एक दूसरा पैन लेंगे, कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं, उसमें सौंफ पाउडर, मिर्ची जितना आपको तीखा पसंद हो आप उसी हिसाब से लीजिए, और गरम मसाला, और इसके अंदर हम मलाई को डाल देंगे। 1 स्पून लेंगे, उसमें मलाई डाल लेंगे हम। और अभी इसको हम ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई में। गैस को हमें चालू नहीं करना है, अच्छे से मिला लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसाला और मलाई एक जैसे पूरा मिल जाना चाहिए अच्छे से। और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कटोरी लिया है 1 कप। इसको अच्छे से पूरा अच्छे से मिला लेंगे, जैसे मसाला इसमें अच्छे से मिल जाना चाहिए। और अभी इसके ऊपर हम जो हमारा बैगन था वो रखेंगे, एक एक करके इसके ऊपर हम रख देंगे। और ऐसे सारे बैगन हम इसके ऊपर रख देंगे। ये
ये मैंने सारे बैगन अच्छे से इसके ऊपर डाल लिए हैं, तो अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, ऑन कर दूंगी, सॉरी इसको मैं ऑन कर दूंगी और एकदम पास रखूंगी गैस को, और इस पर अच्छा सा एक उबाल आना चाहिए। गैस को एकदम फास्ट रखेंगे और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे, और एक अच्छा सा उबाल आने देंगे इसमें, और उसके बाद तुरंत हम गैस को ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे सॉरी। एकदम अच्छे से उबाल आने देंगे इसमें, ये ऊपर तक पूरा बाफ ऐसा लगे बैगन पे। जो हमारा नीचे मसाला है थोड़ा सा पक जाए, एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। इसको अच्छे से ऐसे सेट कर दीजिए और अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा और पकाएंगे और तुरंत गैस को ऑफ कर देंगे। अच्छे से पूरा इसमें हो जाना चाहिए कोट अच्छे से मसाला हमारा ग्रेवी। तभी मैं गैस को ऑफ कर लूँगी और हरा धनिया से सजाएंगे, और अभी इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। और इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसको अच्छे से चलाएंगे कि अच्छे से सब मिक्स हो जाना चाहिए, और इसको फिर सर्व करेंगे हम। और देखिए कितना अच्छा सब्जी बना है, देखने में भी अच्छा है और खाने में भी टेस्टी और जल्दी बन जाता है। तो देखिए तो इसको सर्व कर लेते हैं। ये मैंने एक सर्विंग डिश में निकाल लिया है, इसे थोड़ा सा हरा धनिया से हम गार्निश कर देंगे। तो ये हमारे मलाई बैगन की सब्जी बनके तैयार है, तो आप बना के देखिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और इसमें कोई टमाटर कांदा या लहसुन कुछ चीज़ यूज़ नहीं किया, फिर भी टेस्टी है, तो आप बनाइए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और फिर से मिलती हूँ मैं नई रेसिपी में, और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। तो आप बना के देखिए एक बार, अगर पसंद आए तो कमेंट करें, और फिर से मिलती हूँ मैं नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।